सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। नमस्कार दोस्तों, सत्य खबर की खास पेशकश बोल सत्य बोल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं जुहेब अहमद। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे शादरा विधानसभा के झिलमिल कॉलोनी में। हम आ पहुंचे हैं और सीधा रूबरू कराएंगे यहां की जनता से कि वो क्या सोचती है कि इस बार जो है। मैम बड़े ध्यान से देख रही हैं हमारा चैनल, क्या लगता है मैम? चैनल छोड़ो, सरकार बताओ आप पहले कि किसकी सरकार सही लग रहा है दिल्ली में आ पाएगी। अब किसके बारे में बोले, मगर ये मोदी जी से तो सारे बहुत परेशान हो रहे हैं। चीज़ों को लेकर परेशान, केजरीवाल की आनी चाहिए क्योंकि वो अच्छा हर चीज़ का कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। चलो केजरीवाल जी की तो सरकार आनी चाहिए, लेकिन अगर शादरा के मैं विधायक की बात करूं, वो कैसा काम कर रहे हैं, लोगों के बीच आ रहे हैं, सुन रहे हैं उनकी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सुन रहे। कुछ भी कोई भी काम अगर कुछ भी कहते हैं तो नहीं वो होता। पार्किंग का बोलते हैं, जैसे हमारे घर के बाहर पार्क है तो उसके लिए हमेशा कहते हैं कि डस्टबिन लगवा देंगे और पेड़ पौधे लगा देंगे, कुछ भी नहीं किसी ने लगवाया। और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर, अगर मैं झिलमिल कॉलोनी की बात करूँ? यहाँ पर लाइटें बांधने में पार्क में लाइट है जी, लाइट जो बनी लगाई हुई है वो नहीं जलती, ठीक है बिल्कुल। और कोई ये साले चैन खींचने वाले यहाँ इतने हैं, हद से ज्यादा चेन स्नेचर है। थाना पास होने के कारण भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, मतलब सब लोग अपनी मनमानियाँ ही करते हैं। और मगर अगर ये है कि पार्क में थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए कि पेड़ पौधे लगे तो सबके लिए फ़ायदा ही है। ये देखो जी, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ और गंदगी जो है बिल्कुल बराबर में ही है, नाला बह रहा है बराबर में, सरकारी स्कूल है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या नाम है आंटी जी आपका? सोनमती। सोनमती जी कितने साल से हो यहाँ पर? यहाँ काफ़ी साल हो गए। तो क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार किसकी सरकार आएगी? किसकी बताऊं, केजरीवाल की आ जाए। केजरीवाल की। हाँ। अच्छा यहाँ पर विधायक सही काम कर रहे हैं, क्या समस्याएं हैं यहाँ पर अभी भी? समस्या तो बहुत है, ये किराएदार ने कहा तो भैया। क्या क्या है? कुछ ही ना, किराएदार ने कहा तो। अच्छा। किराया बहुत दे रहे हैं, किराया ना दे तो नहीं, नहीं। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो क्या क्या है, पानी बिजली पानी ये सब सही मिल रहा है? हाँ सही मिल रहा है। सही मिल रहा है। और अगर सफाई सुथराई की बात करूँ मैं तो वो कैसा चल रहा है? हाँ सफाई सुथराई तो जो गंदका ही है इधर तो बहुत। हाँ घबरू नाम है। क्या लग रहा है घबरू पहलवान के किसकी सरकार आएगी? ठंड ज्यादा हो रही है, सरकार तो बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी, पब्लिक कह रही है आम आदमी पार्टी की आएगी, सब कुछ आम आदमी पार्टी तो नकली हो रही है। हाँ बिल्कुल ही काम ही नहीं करवा रहा, ठंड पड़ रही है, 250-250 रुपये 300 रुपये गांठ सामान करवा दिया है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, ये विधायक जो है वो कैसा काम करवा रहे हैं? कौन विधायक जो है तुम्हारे? विधायक तो सही, राम निवास गोयल, वो सही काम करवा रहे हैं। जब से इलेक्शन हुआ देखा ही नहीं हमने, हमने तो राम निवास गोयल को आज देखा ही नहीं, कोई भी काम नहीं करवाता यहाँ पे। सारे देख रहे हो कितनी गंदगी है स्कूल के आगे, ना नाला साफ होता है। हमारी कॉलोनी इतनी गंदी पड़ी है ना, बहुत गंदी पड़ी है। और क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? बहुत सारी दिक्कतें हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो गंदगी की है यहाँ पे। और एक ये भी दिक्कत है कि अस्पतालों में इलाज भी नहीं होता, बहुत सारी दिक्कतें अस्पतालों में इलाज भी नहीं होता, ऑल इंडिया मेडिकल में कुछ नहीं हो रहा। तो जो ऑल इंडिया मेडिकल छोड़ो, मोहल्ला क्लिनिक कैसा चल रहा है यहाँ का? थोड़ा साइड आ जाओ जी, रोड छोड़ दो भाई। मोहल्ला क्लिनिक तो हम अभी तक तो गए नहीं क्योंकि हमारा प्राइवेट चल रहा है, दवाई लोग लेते हैं, रोज लेते हैं दवाई ववाई। हमारे इधर एक मोहल्ला क्लिनिक है, रोज खुलता है वो, दवाई ववाई सही चल रही है वहाँ पे, दवाई ववाई तो सही मिलती है, दवा वगैरह सही चल रही है वहाँ पर। मोहल्ला क्लिनिक कैसा चल रहा है आपसे बात करें तो, अगर दवाएं वगैरह सही मिल रही है वहाँ पर? हाँ सही है। और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ इस कॉलोनी की? अरे ये देख नहीं रहे हो कितने कचड़े हैं, ये तो दिखा दिया मैंने, इसके अलावा और क्या क्या है? कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई की अगर बात की जाए, बच्चों को सही स्कूल वगैरह के हालात कैसे हैं यहाँ पर? हमारे बच्चे तो पढ़ लिए। तो छोटे बच्चों की अगर बाकी सब की बात करूँ? नहीं सब पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो सब पढ़ते हैं। हाँ जी बताइए सर, स्कूलों के हालात बताएं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मोदी को एक शाबाश देना चाहता हूँ। अच्छा, वो क्या शाबाश देना चाहता हूँ कि उसने भाई को भाई नहीं रहने दिया, साथ में मुसलमानों को फाड़ दिया, सरदारों को फाड़ दिया, हिंदुओं को फाड़ दिया, भाई सब उसने देश का बर्बाद कर दिया, देश को। और कारोबार नहीं है बिल्कुल, बेरोजगारी इतनी है, चोर चकार इतने, हद से ज़्यादा, कोई डर नहीं मानता किसी का। आई डोंट नो हैव इट ब्रदर एंड लूज एंड लाक वट आर यू सी।
ओह माय गॉड, ये तो आपने बहुत बड़ी टैगलाइन कह दी। अब मुझे ये तो बताओ, तो फिर विधानसभा का सुधार कैसे होगा? विधायक के लिए क्या कहना चाहोगे आपके लिए? भाई हम तो चाहते हैं कि वो साला केजरीवाल आ जाए ना झाड़ू, तो वो केजरीवाल नहीं केजरीवाल, भाई हम तो केजरीवाल कहते हैं। केजरीवाल हाँ, नहीं वो तो झाड़ू तो चलो दोबारा आ गया, आ गया। अच्छा विधायक का कह रहे थे, आपके विधायक कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता है, ना गंभीर आता है, ना लूथरा आता है, ना और कोई आता है, कोई किसी पार्टी से कोई विधायक से उम्मीद नहीं आप लोगों? कोई भी नहीं आता यहाँ। ऐसा क्यों? पता नहीं, आप उनकी मर्जी है। अच्छा जी, बिल्कुल। तो फिर क्या लगता है किसका विधायक आना चाहिए यहाँ? क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक को तो आपने देख लिया, आप कह रहे हो वो भी नहीं आते, बीजेपी के वालों को भी कह रहे हो आप नहीं आते, तो फिर यहाँ से विधायक जीतना कौन चाहिए, किस पार्टी का जीतना चाहिए? नहीं, मोदी नहीं जीतना चाहिए। नहीं नहीं, वो तो बीजेपी हो गई ना, चाहिए झाड़ू वाला या कांग्रेस, इनमें से दोनों में से कोई जीत जाए, झाड़ू वाला या कांग्रेस, बीजेपी नहीं। अच्छा जी, तो देख रहे हैं आप हालात आपके सामने हैं झिलमिल कॉलोनी के, लोग कह रहे हैं या तो झाड़ू वाला या कांग्रेस, बाकी तो आप ही लोग फैसला करेंगे कि जी किसकी सरकार आनी चाहिए। एक भाई साहब हमें बड़े ध्यान से देख रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? सोनू नाम है मेरा। सोनू, सोनू जी इसी कॉलोनी में रहते हैं आप? नहीं। चलो अच्छा ये बताएं, दिल्ली में किसकी सरकार लगता आएगी? बीजेपी चली जाएगी। बीजेपी हाँ आएगी हाँ। अच्छा किस बेस पे? सारे काम बढ़िया कर रही है इस टाइम तो। अंकल जी कहाँ गए, इधर आओ। ये तो ये कह रहे हैं बीजेपी आनी चाहिए, सारे काम बढ़िया कर दिए। हाँ कहाँ आएगी बीजेपी बता रहे भाई साहब? क्यों आएगी, क्यों आएगी बीजेपी बताओ जी? हमारा कोई काम नहीं कर रहा बीजेपी ने। किस बेस पे कह रहे हो आप? बीजेपी इसलिए आई है, पूछ लूँ ना, इधर आओ आप अंकल जी। बीजेपी इसलिए आई, हर तरफ से बीजेपी चल रही है, लेकिन ये मुद्दे तो स्टेट के हैं ना, दिल्ली के, और वैसे आनी चाहिए तो आम आदमी। हाँ दिल्ली की ही कह रहा हूँ मैं। आप बताएं भाई साहब, साइड में आ जाएं, इधर इधर आ जाएं। यानी कि आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट फौरन बदल गया, पहले बीजेपी था और अब आम आदमी पार्टी हो गया, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी आएगी जी, बीजेपी क्यों आएगी? अच्छा क्या किया बीजेपी ने बताओ? झारखंड में देख लो, यहाँ देख लो, रिफंड महंगा, तेल महंगा, आलू महंगा, प्याज महंगी, क्या नहीं किया? देखो स्कूल ये है सामने, यहाँ कुछ नहीं था, वो इतना स्कूल चमका दिया कि आज तक किसी ने चमकाया। बिजली देखो, काम हुए, पानी देख लो, टोटल काम हुए हैं, टोटल काम हुए, परेशान है, टोटल काम हुए हैं, पब्लिक गंदगी से भी तो परेशान है। यहाँ पर विधायक यहाँ के कैसा काम कर रहे हैं, आप लोगों के बीच आ रहे हैं? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया काम सही कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया आ रहे हैं आप लोगों के बीच, सुन रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक कह रही है नहीं आ रहे विधायक बीच में आपके? हाँ जी, आप भी यहीं से रहने वाले हो? जी नहीं, मैं तो सीलमपुर से रहने वाला हूँ। सीलमपुर के रहने वाले हो आप यहीं क्यों? विधायक आ रहे हैं आप लोगों के बीच, काम करवा रहे हैं? हाँ काम तो करवाते हैं बड़ी। क्या क्या काम करवा दिया उन्होंने? सारा काम करवा दिया, यहाँ पाइप डलवा दिया, बहुत से काम करवाए हैं। बहुत रामनिवास गोयल जी की बात की जाए अगर, तो अभी तक लोग ये कह रहे थे कि जी कुछ काम नहीं हुए हैं, ये है वो है, सफाइयां नहीं हुई, मोहल्ला क्लिनिक की अगर मैं बात करूं कैसा चल रहा है? बिल्कुल बहुत बढ़िया जी, और बिल्कुल दवाई मिल रही है, वहाँ टेस्ट फ्री हो रहे हैं, वो बहुत कुछ हो रहा है। कितने में से कितने नंबर देना चाहोगे विधायक? बिल्कुल 10 में से कितने नंबर? 10, बिल्कुल 10। आप कितने दोगे जी 10 में से? सर हम भी 10 ही देना चाहेंगे, काम उन्होंने बढ़िया करवाया यहाँ पे। अच्छा आप बताओ विधायक को कितने में से 10 में से कितने नंबर दोगे? 10। 10 में से 10। चलो जी, तो लोगों की मिली जुली राय यहाँ पर निकल के सामने आई है, कुछ कह रहे हैं बीजेपी, कुछ कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, कुछ ने विधायक को बताया कि काम नहीं किए, कुछ ने बताया कि विधायक ने बहुत अच्छे काम किए हैं। अब आखिरी फैसला तो जनता पर ही छोड़ते हैं कि वो किसको सत्ता में लेकर आएगी। कैमरा पर्सन मुकुल के साथ जुहेब अहमद, सत्य खबर, दिल्ली। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।